साइबर सिटी गुरुग्राम में नोटबंदी के बाद पैसा जमा कराने और निकालने की मुश्किलों के बीच एक नई परेशानी लोगों को डराने लगी। बैंकों के बाहर लगी भीड़ के बीच लुटेरे और जेबकतरे भी सक्रिय हो गए। बैंकों के बाहर लगी भीड़ और भीड़ में मौजूद लोगों के हाथ में रुपए से भरे बैग, ये नजारा पूरे देश में आम हो गया। लोग परेशान है, पैसे की मारामारी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन साइबर सिटी गुरुग्राम में भीड़ की परेशानी बढ़ाने वाले और भी शामिल हो गए। जी हाँ, अब आप भी जब भी बैंक की कतार में खड़े हो तो जरा संभल कर रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपके पीछे खड़ा व्यक्ति बैंक में पैसे जमा कराने नहीं बल्कि आपकी जेब ही साफ करने की फिराक में हो। क्योंकि गुरुग्राम के अलवर रोड पर स्थित केनरा बैंक के बाहर कतार में लगे राकेश नाम के एक युवक की एक बदमाश ने देखते ही देखते जेब साफ कर दी और रफू चक्कर हो गया। मैं कोई 10:30-11 बजे के बीच में आया था। मैं सीधा स्ट्रेट आया और मैं सीधा गेट पर चला गया। मैं गेट पर जाने के बाद में मैं एक पुलिस वाला खड़ा था, मैं जी मेरे को अंदर बैंक में काम है, तो उन्होंने मेरे को अंदर नहीं जाने दिया, तो मैं इसलिए वहीं बाहर खड़ा रहा और मेरे 37,000 रुपये जेब से निकट गए। बस टोटल 40,000 थे, मेरे 37,000 रुपये निकट चुके। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बाहर कोई नहीं था, इसमें बैंक के बाहर कोई नहीं था, ना कोई गार्ड वगैरह, ना कोई पुलिस वाला, एक सिर्फ पुलिस वाला वहाँ गेट पर खड़ा था बस, और कोई नहीं था, वो भी अंदर था। राकेश नाम का ये युवक सुबह अपनी दुकान से जहाँ ये काम करता है 37,000 रुपए केनरा बैंक में जमा कराने के लिए पहुँचा था। राकेश की माने तो वह कतार में खड़ा था, उसी दौरान किसी ने उसकी जेब काट ली और 37,000 रुपए लेकर गायब हो गया। राकेश को जैसे ही जेब कटने का पता लगा तो उसने तुरंत अपने मालिक को जानकारी दी। ये तो डेली रूटीन का ही काम है, बंदा डेली आता है, डेली करंट अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। आज आया है तो कोई बस यहाँ, अब ये कोई सिक्योरिटी वगैरह, कोई ये लड़का बता रहा है भाई है नहीं यहाँ, अब नहीं था तो अनजाने अनजाने जो भी हुआ इसके साथ, अब हादसा ये हुआ, उस 40 जमा कराने गया था उसमें से 37 ऊपर से निकाल लिए गए हैं। देखो सिक्योरिटी नहीं, जेब कतरे तो देखो भीड़ पे हैं, तो जेब कतरों की तो मतलब मौज हो जाती है, जितनी ज़्यादा भीड़ होगी उनको तो भीड़ चाहिए, भीड़ में उनको काम, उनका काम आसान हो जाता है बिल्कुल। पुलिस की ना, पुलिस में शिकायत की है, अभी पुलिस आ रही है, बोला ये गया अभी आप आ रहे हैं, अभी देखते हो क्या होता है आगे। जेब कटने की इस घटना ने पुलिस और बैंकों के बाहर सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर दिए। सप्ताह भर पहले भी PNB बैंक के बाहर एक महिला से बदमाश 1,83,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। अब सवाल ये है कि पैसों की इस आपाधापी में लोग चोर और लुटेरों से बचकर अपनी जरूरतों का ख्याल कैसे रखें। योगेश कुमार, गुरुग्राम, समाचार एक्सप्रेस।